मंच पर विराजमान आदरणीय गुरुजी राजेंद्र आनंद जी, आदरणीय बिहारी लाल जी विश्नोई विधायक नोखा, आदरणीय देवेंद्र जी बूढ़िया साहब, आदरणीय देवेंद्र जी विश्नोई एसपी एसीबी बीकानेर और सम्मानित मंच, और सामने बैठे हुए बुजुर्गों, माताओं, बहनों और भाइयों, आप सभी को मेरा नमन प्रणाम और नमस्कार। सबसे बड़ी जब खुशी की बात होती है, हमारे समाज की जो प्रगति की बात है, धार्मिक सभा का आयोजन होता है और धार्मिक सभा के बाद में इस तरह से शिक्षा से संबंधित बात होती है और शिक्षा से संबंधित सेमिनार होते हैं, ये किसी भी समाज की प्रगति का द्योतक है, प्रगति का संकेत है। और मैं आज लगभग जब मेरा चयन हुआ था 2016 के अंदर, तब इसी मंदिर प्रांगण के अंदर मुझे आने का मौका मिला था, और उस समय जो मान सम्मान और प्रेम मिला था, आज लगभग 5 से 6 साल बाद में वापस इसी मंदिर के अंदर आके और जो मान सम्मान जो प्रेम मिला है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मन से जो शब्द मेरे लिए व्यक्त किए गए, एक ही बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वो बात कही थी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, और शेरनी का कोई दूध पीता है तो वो दहाड़ता है जंगल के अंदर हमेशा, तो ये शेरनी का दूध है और इसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और वो जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ज्यादा दहाड़ेगा। आज मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूं तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है शिक्षा, और उस शिक्षा को दिलाने के अंदर मेरे माता पिता ने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया। सभी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें की, मैं सब बातों को आपके सामने वापस रिपीट नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ 2-3 बात कहकर मेरी वाणी को आपको विराम दूंगा। हमारे जीवन के अंदर यहाँ पर जितने भी माताएं बहनें या जितने भी परिवार बैठे हैं, सच्चाई ये है कि हम सबकी आर्थिक सामाजिक स्थिति एक जैसी है, कोई आदमी यहाँ पर धनवान नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा, हम सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी है। हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का एकमात्र कोई जरिया है, जिस स्थिति में आज हैं उससे कोई परिवर्तन चीज ला सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और पढ़ाई, उसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से हमारे जीवन के अंदर है वो परिवर्तन आए। तो मेरा हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है, आप सबकी सबसे बड़ी आपकी संपत्ति है वो है आपके बच्चे, और कोई आदमी, हमारा जो खेत भी होता है ना, उसके अंदर पुराने बुजुर्गों को हम देखते थे कि जब गर्मी का मौसम होता था, जिसको उनाड़ा अपन बोलते हैं, तो पुराने बुजुर्ग लोग उनाड़ा के अंदर भी खेत के अंदर जाते थे, खेत के अंदर कहीं कोई कचरा इधर उधर बिखरा था तो उसको किनारे करते थे या कुछ न कुछ करते रहते थे, तो लोगों के फसल भी बहुत अच्छी होती थी। तो ये तो हमारे बच्चे हैं, यदि इनका हम सार संभाल नहीं करेंगे, भले ही आप उनके लिए बाद में कितनी जमीन कर देना, कितना ही पैसा कर देना, लेकिन हमारी अंतिम सांस तक हमें ये हमेशा चिंता रहेगी, टेंशन रहेगी कि मेरा बच्चे का पता नहीं क्या होगा। आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अंतिम समय तक आपको ये चिंता रहेगी। तो मेरा विनम्र निवेदन है माताओं, बहनों और आप सभी से, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे बच्चे हैं, तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 8-10 दिन में एक बार उनकी जरूर खैर खबर ले लें कि ये कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, और ये पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, या किसके साथ ये घूम रहा है। आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम अपने बच्चों से कभी बात ही नहीं करते। मेरे माता पिता भले ही औपचारिक शिक्षा उनको नहीं मिली, लेकिन आज भी मैं उनको पढ़े लिखों से ज्यादा, उन्होंने कभी भी मेरे ऊपर किसी भी चीज के लिए प्रेशर नहीं डाला कि भाई तेरे को यही करना है। उन्होंने हमेशा एक बात मेरे को बोली कि भाई ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे अपनी बदनामी हो, बाकी को तेरे को जो करना है वो कर ले। तो हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे हमारी संपत्ति है, और उनको हम खुला ना छोड़ें या उनको हम बिल्कुल भी उनके ऊपर ध्यान ना दें, ऐसी कभी कोई चीज है वो नहीं होनी चाहिए। और मेरी बहनों से तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरों के जीवन में परिवर्तन का स्रोत शिक्षा है या नहीं है, आपके तो सच में ही शिक्षा है। बहन सुप्रिया यहाँ पर बैठी है,
आप खुद सोचिएगा, क्या बहन सुप्रिया को अभी कोई कह सकता है कि तू गोबर डाल, तू ये सब कुछ कर? तो हमारी बहनों का तो इन सब चीजों से बाहर निकलने का एकमात्र जरिया है और वो है शिक्षा। बहनों, गोबर डालना या कोई दूसरी चीज करना खराब बात नहीं है, लेकिन आदमी इस दुनिया के अंदर आता है तो उसके जीवन के अंदर, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरे पिता हो, चाहे कोई दूसरा हो, हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए। और सम्मान जो शिक्षा से मिलता है या वर्तमान में जो अपनी सोसाइटी का जो एक स्तर है उसमें शिक्षा के बाद में या हम किसी सेवा के अंदर आते हैं जो सम्मान मिलता है, वो सम्मान हमें दूसरी चीजों के अंदर नहीं मिल पाता है। इसलिए बार बार मेरा आपसे निवेदन है कि चाहे आपको जीवन के अंदर कुछ भी करना पड़े, घर वालों से लड़ना पड़े, लेकिन लड़कर भी पढ़ना जरूर, पढ़ाई को मत छोड़ना कभी भी। ये मेरा आपसे निवेदन है, चाहे कुछ भी करना पड़े। दूसरी एक चीज में, जहां पर भी जगह जगह पुलिस अधीक्षक होने के नाते सेमिनार करने का, बच्चों से मिलने का मौका मिलता है, तो एक बात मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि इस समय कुछ चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है, या हमारे परिवार वाले भी कहते हैं कि तेरे 12वीं क्लास में इतने नंबर आ जाएंगे तो तेरे को बाइक दिलाएंगे। मैंने अभी एक महिला के है वो विचार सुने थे यहाँ पर किसी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात कही थी कि मैं युवा साथियों से कहना चाहूंगा, आपके हाथ में मोबाइल है या आपके हाथ में बाइक है, मोबाइल में बैठे बैठे लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, या आपके हाथ में कोई गाड़ी है या कोई भी मोटरसाइकिल है, उसका क्लिच दबा के उसको भगाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होगी जब आप बैठ के पढ़ोगे, पसीना आएगा, और जिस दिन सफल होके, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो युवा बच्चे आते हैं उनके लिए एक प्रेरणा होती है कि मैं स्टेज के ऊपर आऊं और मुझे इनके हाथों से सम्मान मिले। जिस दिन आप यहाँ आओगे तो आपके माता पिता का सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि उन चीजों के अंदर ध्यान नहीं देके और पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे, बाकी का जीवन के अंदर सब चीजें हमें मिलती है। ये मौका कभी नहीं मिलता है, और ईश्वर ने ये मौका दिया है, इस मौके को हमें कभी नहीं छोड़ना है, और नशे से हमेशा दूर रहना है। बार बार मेरा ये निवेदन है सभी से, हम सब गलती से नशे के दलदल में फंस जाते हैं, और धीरे धीरे समाज के अंदर ये चीजें एक्सेप्ट हो रही है, और युवाओं को भी पता चलता है, जब नशा बेचने वाला, नशा करने वाला आदमी ऊपर बैठता है तो जो नीचे छोटा बच्चा भी बैठा रहता है उसको भी पता है कि चाहे नशा बेच के पैसा कमाओ, किसी तरह से पैसा कमाओ, जब पैसे वाले की इतनी इज्जत हो रही है तो मैं क्यों नहीं ये काम करूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को कभी अपना रोल मॉडल नहीं समझे और नशे वाले लोगों को दूर रखे। ये आपके घर को बर्बाद कर देगा, आपके परिवार को बर्बाद कर देगा। युवा साथियों से मेरा एक बात के लिए और निवेदन है, हम सबके अंदर शुरुआत के अंदर जैसे आज यहाँ पर बात सुनी तो बहुत जोश आ गया, 2 घंटे घर पे जाके पढ़े, उसके बाद में वापस इस चीज को भूल गए। मेरा आपसे निवेदन है कि हमेशा ये भाषण से इतना जोश नहीं मिलता है कभी भी, ये 2 घंटे का होता है। हमेशा अपने माँ बाप की तरफ देखें कि कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो अपना पेट काट के रात दिन मेहनत करके, माँ बाप हमेशा ये, उनके पास जेब में पैसा नहीं होता है तो भी वो कहते हैं कि बेटा मेरे तेरे कोई कमी नहीं है। हमेशा जब भी आप डीमोटिवेटेड हो तो उनकी शक्ल की तरफ, उनकी तरफ देखिए कि वो कितनी मेहनत करते हैं, और मेहनत करके और मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलते हैं तो गली के अंदर बहुत सारे बच्चे कचरा बीनते हैं, कभी उनसे बातचीत करके देखिए, वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत होशियार है, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। हमें सौभाग्यशाली समझना चाहिए अपने आप को कि ईश्वर ने, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें ये मौका दिया है, और इस मौके का फायदा है वो हमें उठाना है। मैं मेरी बात को ज्यादा लंबी नहीं करके 2 निवेदन करना चाहूंगा, नशे से बच्चों को दूर रखें, और माताओं को कहना चाहूंगा कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएं। पुणे में पूरी खाजवाला सभा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया। पुणे गुरु जम्बेश्वर भगवान की चरणों में सादर नमन करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।